अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुसेक्स फैंसी पोल्ट्री। तो एक और फार्म पे एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज के सेटअप पे हम मौजूद हैं एआर फैंसी वर्ल्ड पे, आज मौजूद हैं। आपने इससे पहले मेरे चैनल पे इसी सेटअप के हवाले से एक वीडियो देखी थी, उस वक्त जब मैंने इनके सेटअप को कवर किया था तो उस वक्त इनके पास जो है काफ़ी लिमिटेड बर्ड्स मौजूद थे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स लाइन इनके पास मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत बर्ड मौजूद हैं और काफ़ी क्वान्टिटी में मौजूद हैं। आपको अगर इनके चिक्स अगर चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एंड में वीडियो में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आदिल? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस आज के सेटअप पे जो आपके पास अभी जो ब्रीड्स मौजूद हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन सी ब्रीड आपके पास अभी अवेलेबल हैं? मेरे पास काफ़ी मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। अब तो मैंने काफ़ी सारी ब्रीड एड ऑन भी की है। अब तो मैंने ब्रामा, वाइंडॉट, लेश फाइटर और पिंगटन, ये सब एड ऑन किया है अभी। जब हमने आपके सेटअप पर लास्ट टाइम विज़िट किया था तो उस वक्त आपके पास काफ़ी लिमिटेड बर्ड्स मौजूद थे, तो इस आज के सेटअप पे आप काफ़ी सारी ब्रीड दिखाने वाले हैं, तो उनके चिक्स के हवाले से भी हमें बताइएगा कि चिक्स के क्या रेट हैं। ठीक है, बिल्कुल, आपको पूरा फार्म विज़िट करवाते हैं और रेट्स भी आपको बता देंगे चिक्स के। अच्छा, इसके अलावा चिक्स के अलावा आपके पास पुलेट्स वगैरह होते हैं, जैसे अगर कोई बड़ा लेना चाहे एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने वाले, तो वो भी आपके पास मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल, हम वो भी तैयार करते हैं, एक महीने वाले, दो महीने वाले, इवन कि हमारे पास आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे पास 5.5 महीने वाले ऑस्ट्रोलॉप भी तैयार किए हैं मैंने, वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी फोर सेल है। चलें व्यूअर्स, आइए इनसे इनके रेट भी ले लेंगे, चिक्स के हवाले से भी रेट ले लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, अपने चैनल पर नया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली और भी वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहेंगी। ये कौन से ब्रीड है आदिल भाई? ये ब्लू ऑस्ट्रोलॉप है। ब्लू ऑस्ट्रोलॉप है या स्प्लैश में कहेंगे इसको? नहीं नहीं, ये ब्लू ऑस्ट्रोलॉप है ये। अच्छा जी, ये ब्लू ऑस्ट्रोलॉप है, और इसकी चिक्स की प्राइस क्या है? इसके चिक्स की प्राइस 2500 रुपये ईच है। 2500 रुपये का एक चूज़ा होगा, हफ्ते भर का होगा वो? हाँ, मतलब दो से तीन दिन का होगा। अच्छा, इसके जो है वो आपके पास ब्रीडर फॉर सेल होंगे या सिर्फ चिक्स ही होंगे? नहीं, अभी तो फ़िलहाल हमारे पास जो है ना इसके सिर्फ चिक्स हैं। हाँ, इसके पुलेट्स मिल जाएंगे आपको तकरीबन 5 महीने के। उनकी क्या प्राइस होगी? उनकी प्राइस जो है ना, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको प्राइस। जी आदिल भाई, माशाल्लाह, मैंने जब लास्ट टाइम विज़िट किया था तो ये उस वक्त आपके पास मौजूद थे एम सी मानी, तो आपने अभी चिक्स के रेट वही रखे या चिक्स के रेट चेंज किए आपने? नहीं, हमने चिक्स के रेट वही सेम 3000 रुपये ही रखे हुए हैं, इसके बढ़ाए नहीं हमने। वैसे तो इसकी डिमांड काफ़ी है और लोग इसके चिक्स जो है ना 4000 रुपये में सेल कर रहे हैं, लेकिन हम वही 3000 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अभी भी जो है वो, हालांकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने जो चिक्स के रेट हैं वही रखे हैं। और आदिल भाई, इनका चिक्स भी तकरीबन हफ्ते दो हफ्ते का होगा? नहीं, इसका भी चूज़ा जो है ना 2 से 3 दिन का होगा। ठीक है व्यूअर्स। जी आदिल भाई, माशाल्लाह, ये प्लायमाउथ रोग का आपके पास पेयर है? जी भाई, ये पेयर है, और पहले इसकी मेरे पास एक ट्रायल था, अनफॉर्चुनेटली एक जो है ना इसकी फीमेल जो है ना एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, ये जो पेयर है ये कौन से रिंग का है? ये 2020 रिंग का है। इसके भी माशाल्लाह मेरे पास पुलेट्स अवेलेबल हैं तकरीबन 5.5 महीने के, आपको दिखाएंगे उसकी क्वालिटी और वो सब चीज़ें, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि वो इसी के बच्चे हैं। चलें व्यूअर्स, में हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन आदिल भाई अभी जो है इनके चिक्स के हवाले से बताएं, इनके चिक्स की प्राइस क्या होगी? इनके चिक्स की प्राइस 2000 रुपये ईच है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि आपको जो टाइम बुकिंग का दिया जाए, वैसे आदिल भाई बुकिंग पे भी चिक्स लेते हैं, जो बुकिंग का टाइम दिया जाए उस बुकिंग टाइम पे आप अपने चिक्स जो है वो उठा लेंगे। इससे ये होता है कि यहाँ पर हैंडल करना ही मुश्किल होता है, और फिर दूसरा ये कि किसी और को देने पड़ जाते हैं आपको, कोई और मांगता है तो उनको भी देने होते हैं, इस वजह से जो है वो मुश्किल होती है। माशाल्लाह, बड़े साइज़ के ऑस्ट्रोलॉप यहाँ पर मौजूद हैं। आदिल भाई, ये कौन से रिंग के बर्ड्स हैं आपके पास? ये मेरे पास 2020 रिंग ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप है। तो आपने अभी जो है एक मेल के साथ 3 फीमेल रखी हुई हैं, तो ये 3 फीमेल रख सकते हैं या ट्रायल रखने चाहिए? नहीं, आप इसके साथ जो है ना 1+3, 1+4 ईज़िली रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा मेल भी होते हैं, मतलब हमारे पास ये सिर्फ एक मेल नहीं है, इसका बैकअप मेल भी है। हम जो है ना हर हफ्ते जो है ना इसको चेंज करते रहते हैं स्विच, ताकि मेल की फर्टिलिटी जो है ना अच्छी रहे, ताकि इस मेल को हम एक हफ्ते का रेस्ट दे देते हैं। जी जी, तो आदिल भाई ये भी बता देंगे इनके जो है वो चिक्स की प्राइस क्या होगी, और इनके आपके पास क्या बड़े चिक्स अवेलेबल होंगे, यानी 3-4 महीने वाले 5 महीने वाले? इनके चिक्स जो है ना 2000 रुपये का एक है, और इनके पुलेट्स भी मिल जाएंगे आपको तकरीबन 5.5 महीने के, वो भी आपको वीडियो में शो करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हमने तैयार किए हैं, और उनका साइज़ भी और कलर शाइनिंग सब आप देखिएगा, बहुत ही आउट क्लास है।
ठीक है ना, ये स्पेनिश तो नहीं है? स्पेनिश ब्रीड के हवाले से भी अभी बहुत चर्चे चल रहे हैं मार्केट के अंदर। नहीं, ये जो है ना वाइट लेग हॉर्न है, ये अंडों के लिए बड़ी मशहूर है और इनकी जो एगलिंग है बहुत ज़्यादा है। तो जो व्यूवर्स हमारे लेंगे वो क्या अंडों के हवाले से लेंगे या फैंसी बर्ड में भी आता है ये लेइंग के लिए एगलिंग मशीन कहलाती है, ये अंडों के लिए बड़ी मशहूर है। तो अच्छा, अभी जो इनके अंदर काफ़ी कलर आ रहे हैं लेगहॉर्न्स के अंदर, तो आपके पास अभी सिर्फ एक ही कलर मौजूद है या और भी कलर इसके हवाले से और हैं? अभी फ़िलहाल मेरे पास वाइट कलर में मौजूद है, इसके और भी कलर काफ़ी सारे मौजूद हैं लेकिन वो हमने अभी नहीं इम्पोर्ट किए, इंशाल्लाह वो भी जो है ना बहुत ही जल्दी इम्पोर्ट करवाने। अच्छा, इनके चिक्स के हवाले से बताएं, इनके चिक्स की क्या प्राइस होगी? इसके चूज़े की प्राइस 1500 रुपये ईच है। वो भी तकरीबन हफ्ते भर का होगा? हाँ, वो 2 से 3 दिन का। अच्छा, एक बात बताएं कि अभी आपके पास कौन से चिक्स अवेलेबल हैं या आप जो भी चिक्स की बता रहे हैं वो बुकिंग पे होंगे? मेरे पास ज़्यादातर जो चिक्स हैं ना उनकी बुकिंग चल रही है अभी, जो भी व्यूवर्स हैं वो मुझसे मालूम कर लें रब्ता करके मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर, तो वो मैं बता दूँगा उसको कि कितनी बुकिंग चल रही है और कब अवेलेबलिटी है उसकी ना। जी आदिल भाई, माशाल्लाह मशहूर ज़माना ब्रीड लाइट सुसेक्स, जिस पर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो वो काम कर रहे हैं, तो आपने इनके जो चिक्स हैं उनकी प्राइस क्या रखी है और क्या ये रिंग बर्ड्स हैं क्या? मैंने इसकी प्राइस जो है ना 2500 रुपये ईच रखी है और ये रिंग बर्ड्स हैं। रिंग बर्ड, तो ये रिंग कौन से ईयर के हैं? ये 2020 भी हैं इसमें और 2019 भी हैं। तो आपके पास अभी ये जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो बुकिंग करवा सकते हैं चिक्स की, तो बुकिंग जो करवाएंगे वो आप टाइम बताएं लिमिट के, भाई कितने टाइम में आप उनको देंगे चिक्स इनके लाइट सुसेक्स के? लाइट सुसेक्स के अभी मेरे पास तकरीबन 1 महीने की तो बुकिंग चल रही है, तो आगे उसके बाद की बुकिंग दे देंगे उनको इंशाल्लाह। और लिमिट बताएं कि कितने चिक्स आप लाइट सुसेक्स के दे सकते हैं ये रिंग बर्ड के जो हैं? मेरे पास वीकली इसके जो है ना 10-12 चूज़े आते हैं, मेरे पास इसके तकरीबन जो है ना 2 सेट हैं, 1+3 के 2 सेट हैं। ठीक है जी आदिल भाई, इसके हवाले से बताएं, माशाल्लाह साइज़ वगैरह बहुत अच्छा है, तो असील से मिलती जुलती ब्रीड है क्या ये? नहीं भाई, असील तो नहीं है, ये लेज फाइटर है, इसको जो है ना बेल्जियन ब्लू भी कहते हैं। अच्छा, इनकी अडल जो होने की एज है वो कितने एज में अडल हो जाते हैं? ये तकरीबन 8 से 10 महीने में अडल्ट होते हैं, और अभी ये तकरीबन जो है ना इसमें कुछ फीमेल्स 20 की हैं और कुछ जो है 21 की हैं। अच्छा, इनके चिक्स के हवाले से बताएं, इनके चिक्स की क्या प्राइस होगी और अवेलेबल कब होगा बुकिंग अगर करवाते हैं तो कब अवेलेबल होगा? इसके अभी जो है ना चिक्स एग्स आना स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें भी तकरीबन चिक्स आने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, तो 1 महीने बाद अवेलेबल होंगे ये। और प्राइस भी बता दें साथ ही चिक्स की? इसके चूज़े की प्राइस जो है ना 4000 रुपये ईच है। जी आदिल भाई, ये ब्रह्मा के हवाले से बताएं, ब्रह्मा के ज़बरदस्त ब्रीड है ये, बफ ब्लू ब्रह्मा है, और इनके चिक्स की प्राइस भी बता दें। इसके चूज़े की प्राइस 3000 रुपये ईच है, ये भी रिंग बर्ड्स हैं। आप क्या समझते हैं कि ब्रह्मा की आगे जाके मतलब लोग अगर लें तो उनके पास अपने पास रखने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए ब्रह्मा के लिए? एनवायरनमेंट इसको जो है ना थोड़ा सा चाहिए होता है कूल, लेकिन आप यहाँ पे मेरे शेड में देख रहे हैं ना कोई एयर कूलर लगा हुआ है ना कुछ, और आप देखें इस गर्मी के अंदर भी जो है ना ये बिल्कुल ईजी होके जो है ना मतलब हैप्पी हैं, इनके मूड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। आपने मेरा पुराना वाला फार्म देखा था, उसमें जो है ना इशू ये था कि उसमें एयर कूलर भी लगे हुए थे लेकिन बर्ड्स फिर भी थोड़े से मुंह खोल रहे थे, हाँप रहे थे, लेकिन आप भी देखें इधर मैंने ब्रह्मा भी ऐड कर दी है माशाल्लाह, इधर एक भी बर्ड मेरा जो है ना मुंह खुला हुआ नहीं है इस टाइम पे। और बेसिकली जो है ना हवा की जो डायरेक्शन है ना वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो बर्ड जो है ना ठीक रहता है, आपको ना एयर कूलर की ज़रूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की, आप ब्रह्मा भी ईज़िली पाल सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इसका, और आने वाला वक्त जो है वो वैसे ही कराची के अंदर ठंडा मौसम होने वाला है, तो इनके चिक्स आप आसानी रख सकते हैं अपने पास और उसको ग्रो कर सकते हैं। आदिल भाई, इनके चिक्स की प्राइस बता दें। इसके चूज़े की प्राइस 3000 रुपये है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें कोई डिस्काउंट की गुंजाइश है या आप जो बता रहे रेट यही होंगे? मेरे प्राइस जो है ना ऑलरेडी डिस्काउंट होता है, जैसे कि आपने पिछली दफ़ा भी यही बोला था कि आपके प्राइस तो काफ़ी मुनासिब है, आप वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, तो दूसरों से मेरे प्राइस आपको कम लगे थे, तो वो रीज़न यही है कि मैं बार्गेनिंग नहीं करता, मैंने जो प्राइस बोल दी है बस वो उसी पर हम देते हैं, उसमें बार्गेनिंग वाला चक्कर नहीं होता। ठीक है, माशाल्लाह मेरी फेवरेट, पर्सनली बहुत फेवरेट ब्रीड वाइनडॉट के हवाले से बताएं, वाइनडॉट का सिल्वर लेस कलर है इसके अंदर, ये कौन से रिंग के बर्ड्स हैं? ये 2020 रिंग बर्ड है। अच्छा, अभी जो है वाइनडॉट का काफ़ी वो मार्केट में यानी इन होने वाली है, अभी बिल्कुल शुरुआत है इसकी, तो आपने अभी इनके चिक्स के क्या प्राइस रखे हैं? मैंने इसके चूज़े की प्राइस जो है ना 3500 रुपये ईच रखे हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में वाइनडॉट के किस तरह से होगी? हाँ, वाइनडॉट बहुत अच्छी ब्रीड है और मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसके तकरीबन जो है ना
वन प्लस फोर के दो सेट हैं और दोनों पे जो है मतलब मेरे पास बुकिंग अभी फुल है और तकरीबन एक महीने की बुकिंग चल रही है मेरी। अच्छा, इनके चिक्स के प्राइस बताएं कि चिक्स के प्राइस क्या होंगे फिर? 3500 रुपये ईच, दो से तीन दिन का चूज़ा होगा। ये वाइंडॉट का दूसरा कलर है, इसके हवाले से बताएं कौन से रिंग का बर्ड है आपके पास? ये मेरे पास 2021 के बर्ड्स आए हैं, अभी ये पट्ठे हैं, अभी इन्होंने जो है ना लेइंग भी स्टार्ट नहीं की है, और ये कलर जो है ना ब्लैक लेस गोल्डन वाइंडॉट है। तो इनके चिक्स में यानी अभी अवेलेबल नहीं होंगे, तो कितने टाइम बाद अवेलेबल होंगे आपके पास? ये तकरीबन एक दो महीने बाद जो है ना मेरे ख्याल में इसके अवेलेबल होंगे, अभी तो फ़िलहाल जो है ना ये लेइंग नहीं कर रहे और छोटे बच्चे हैं अभी तो ये। अच्छा, चलें हमारे व्यूवर्स को अभी प्राइस बता दें कि जो अभी प्राइस आप फिक्स करेंगे बाद में भी वही प्राइस होगी जब चिक्स आएंगे? हाँ, तब भी वही प्राइस होगी, इसके भी वो सेम जो है ना सिल्वर लेस वाले होंगे प्राइस, 3500 रुपये ईच। आदिल भाई, इस ब्रीड के हवाले से बताएं, इस ब्रीड का नाम माशाल्लाह अच्छी हैवी साइज़ में है, लेकिन और एक और चीज़ बताएं आपकी, इनकी जो मुर्गियों के पर हैं ये जो पीठ से उतरे हुए क्यों हैं इस तरह? ये जो है लाइट कोलंबियन ब्रामा है और ये मोल्ड पे आई हुई है, ये गंजी नहीं है, मोल्ड पे आई हुई है। सीज़न ऑफ होता है तो ये मोल्ड पे आ जाती है, अभी इंशाल्लाह जो है ना एक महीने बाद जो है ना ये अपना मोल्ड कंप्लीट कर लेंगी तो ये भी वैसी ही हो जाएंगी बिल्कुल सेट। अच्छा, ये बताएं कि आपने एक मेल के साथ अभी चार फीमेल रखी हुई हैं, तो इनको जो आपने अभी जगह दी हुई है, आपके केज का साइज़ कितना है अभी? ये मेरे केज का साइज़ जो है ना 4x6 फिट का है और इसमें ये इजीली मतलब आ जाती हैं और इसमें हम इसको फ्री रेंज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में, इसको तकरीबन जो है ना हम एक दो घंटे रोज़ जो है ना फ्री रेंज करते हैं। जी आदिल भाई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है, लास्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था तो आपके पास उस वक्त भी मौजूद थी, इसका नाम भी बताएँ और इसके चिक्स की प्राइस भी बताएँ। ये जो है ना डेथलियर है, बहुत ही रेयर ब्रीड है और पाकिस्तान में बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है और इसके चूज़े की प्राइस 3000 रुपये है। अच्छा, आपने लास्ट टाइम भी 3000 ही बताए थे क्या चिक्स के? जी बिल्कुल, वही सेम प्राइस बताए थे। अच्छा, इसकी क्वालिटी आपने बताई थी कि ये जो है वो अंडे देती ही रहती है, तो क्या अभी फीमेल अंडे दे रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक इनकी जो है ना बहुत अच्छी है और मतलब हमारे पास कंटिन्यूसली एग्स आते हैं इसके लेगहॉर्न की तरह। अच्छा, एक ब्रीड आती है हमारी देसी ब्रीड के जिसको हम मिस्री ब्रीड कहते हैं, मिस्री का कलर भी सेम इसी तरह होता है जो मुर्गी लग रही है, तो ये उससे काफ़ी डिफरेंट होती है क्या? नहीं, वो बेसिकली कलर वैसा है लेकिन ये ब्रीड अलग है, आप इनका कॉम देखें पंच में ये ना वो स्ट्रेट होता है। सही, ये वो सिंगल कॉम में होती है और ये रोज़ कॉम में। ठीक है, ठीक है जी आदिल भाई, इस ब्रीड के हवाले से बताएं, ये पूरी वाइट ब्रीड है, हमने लास्ट टाइम भी देखी थी लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं रहता, आप बताएं कौन सी ब्रीड है? ये न्यू हैम्पशायर वाइट है, ये भी पाकिस्तान में जो है ना बहुत ही रेयर ब्रीड है। अच्छा, इसके अभी ये एग लेइंग पे है ये फीमेल? जी, ये भी माशाल्लाह एग लेइंग पर है और इसकी भी एग लेइंग जो है ना बहुत ही अच्छी है। और इनके चिक्स की प्राइस क्या होगी? इसके चूज़े की प्राइस जो है ना 2000 रुपये ईच है। अच्छा, एक बात बताएं, पहले जब हमने आपके सेटअप विज़िट किया था तो आपके जो नीचे जो है इनके पास चावल के छिलका था और अब जो है वो मट्टी है, तो इसकी चेंज करने की वजह? वो मेरा फार्म दूसरा था, उस पर जो फ्लोर था वो सीमेंट वाला बना हुआ था, तो उसके ऊपर हम जो है ना वो राइस वस्ट डालते थे ताकि जो है ना क्लीनिंग ईजी हो जाए। अब यहाँ पे जो आप शेड देख रहे हैं पूरा कच्ची ज़मीन है, पूरी ज़मीन आप दिखा सकते हैं कि मट्टी है टोटल, तो इसलिए हमारे को इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मट्टी में ही खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं मट्टी में खेल के। ये यानी नेचुरल इनके लिए जो है वो रखनी चाहिए, मट्टी ही ज़्यादा रखनी चाहिए? हाँ, ये नेचुरल इन्वायरमेंट मिल जाता है इनको ना। जी आदिल भाई, ये स्पेकल्ड सुसेक्स के हवाले से बताएं कौन से रिंग के यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं बर्ड्स? ये मेरे पास जो है कुछ विदाउट रिंग में है और कुछ रिंग के अंदर है, ये आए ही हमने जब इंपोर्ट करवाए थे, ये सबसे पहले मैंने यही ब्रीड इंपोर्ट कराई थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो देखेंगे सबसे पहला इंपोर्ट मैंने यही स्पेकल्ड सुसेक्स कराया था, तो ये विदाउट रिंग में आए थे मेरे पास, लेकिन अभी इसकी मैंने कुछ फीमेल्स और ऐड किए हैं और मेल भी कुछ ऐड किए ताकि जो है ना, क्योंकि इसकी डिमांड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा थी, मैं डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसको अभी दोबारा इंपोर्ट करवाया है, तो दोबारा ये कुछ जो है ना 2018 के रिंग में है, कुछ 2020 में भी है और क्या नाम है कुछ नॉन रिंग के अंदर है। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी तो इनके साथ जो पांच फीमेल छोड़ी हुई हैं, तो क्या आप पांच फीमेल ही रखते हैं या आपके पास जो और मेल हैं वो भी डालते हैं इसके साथ? नहीं, इसके साथ हमारे पास दो मेल और हैं साथ में, वो हम हर हफ्ते जो है ना इनको स्विच करते रहते हैं ताकि जो है फर्टिलिटी इनकी जो है ना इंक्रीज़ रहे, ताकि हेल्दी और एक्टिव चूज़े निकलें और फर्टिलिटी हमें भी ज़्यादा मिले। अच्छा, इनके हवाले से बताएं कि ये एग लेइंग वैसे हफ्ते में कितने अंडे तकरीबन देती है? ये हफ्ते के जो है मतलब एक फीमेल 5 से 6 अंडे देती है।
यानी इनकी भी एगलिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये भी लाइट सुसेक्स की तरह एगलिंग में अच्छी है। बेसिकली सुसेक्स फैमिली है तो जाहिर सी बात है वो एगलिंग है ये भी। तो आदिल भाई, आपके पास यहाँ पर अंडे भी मौजूद हैं, तो क्या आप चिक्स के अलावा अंडे भी सेल करते हैं क्या अपनी सारी ब्रीड्स के? जी भाई, एग्स भी हम लोग सेल करते हैं और चिक्स भी सेल करते हैं। जो लोग जो है मतलब चिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जो है ना एग्स अवेलेबल हैं, तो वो एग्स बाय करके खुद हैच करवा सकते हैं। अच्छा, अगर वो प्राइस होगी तो प्राइस क्या रखेंगे अंडों की आप? प्राइस कैसे बताएंगे आप, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनके प्राइस भी डिफरेंट होंगे? ये इसके मुख्तलिफ प्राइस हैं, तो अंडों के लिए जो है ना मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनसे जो है ना अपनी एग्स की जो है प्राइस लिस्ट शेयर कर देंगे। और अंडे की फर्टिलिटी के हिसाब से फिर क्या, कितना परसेंटेज इनका होगी फर्टिलिटी की? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तो 70 प्लस रिज़ल्ट आता है और हम क्लाइंट्स को भी जो है ना अपने 70% जो है ना फर्टिलिटी की गारंटी देते हैं। जी माशाल्लाह से आपके पास यहाँ पर ऑस्ट्रेलॉप मौजूद है, कौन से ऑस्ट्रेलॉप है, ये रिंग बर्ड में या नॉन रिंग में, आप बताइए। ये जो मैंने आपको पहले अपने रिंग बर्ड दिखाया था ना, ये उनके बच्चे हैं। तो इनकी अभी एज कितनी है? इनकी एज तकरीबन 5.5-6 महीने है, और आप इनके साइज़ देखें माशाल्लाह, और मेल के साइज़ देखें, टेल देखें, शेप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, एक बात बताएं, ये तो निकले हुए तो हेरिटेज से बच्चे हैं, तो क्या ये कमर्शियल कहलाएंगे या हेरिटेज ही कहलाएंगे? नहीं, ये हेरिटेज ही कहलाएंगे, कमर्शियल नहीं कहलाएंगे, और ये F1 ब्रीड है। अभी क्या इन्होंने लेइंग स्टार्ट कर दी है? इसमें से कुछ एक फ़ीमेल है, उसने लेइंग अभी स्टार्ट कर दी है, ये वाली सामने वाली जो है, ये डंडे के पास जो है। अच्छा, आपने एज कितनी बताई इनकी? इसकी तकरीबन 5.5-6 महीने एज है। तो क्या हेरिटेज ब्लड लाइन के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी ये लेइंग स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, अगर प्योर ऑस्ट्रेलॉप हो ना हेरिटेज, तो वो तकरीबन 5.5-6 महीने में लेइंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन इनके जो मेल है ना अभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो अभी तकरीबन 1 महीना लेंगे, तो अंडे इनके भी फर्टाइल आने में 1 महीना लगेगा। अच्छा, आपने बताया था कि ये 4 सेल है, तो इनके प्राइस भी कंफर्म कर दें, और आप क्या पेयर सेल करेंगे या ट्रायल सेल करेंगे इसका? इसका 1+2 के हिसाब से सेल करेंगे, 12,500 रुपये ईच के हिसाब से। ठीक है व्यूअर्स, जो इंटरेस्टेड हो ये बाय करने के लिए, तो वो आदिल भाई से मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी आदिल भाई, माशाल्लाह, इस ब्रीड के हवाले से बताएं, ये आपके अपने घर के तैयार हुए हैं, और आपने जो अभी जो ब्रीड दिखाई थी रिंग बर्ड, क्या ये उनके ही बच्चे हैं? जी, अभी जो आपने मेरे रिंग बर्ड देखे ना ब्लू ऑस्ट्रेलिया, ये उसी के बच्चे हैं, ये भी मैंने तैयार किए हैं, ये भी तकरीबन 5.5-6 महीने के हैं। अब ये कितने टाइम में लेंगे स्टार्ट कर देंगे? ये तकरीबन जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर इसी महीने स्टार्ट कर देंगे ये। अच्छा, इनके जो मेल हैं वो अभी बांग देने लग गए हैं, वो अजान देने लग गए? हाँ, इसमें एक ये जो मुर्गा देख रहे हैं आप फ्रंट पे, ये वाला अजान दे रहा है, और ये दूसरा वाला भी थोड़ा छोटा है। अच्छा, इनके प्राइस भी बता दें कि क्या प्राइस होंगे? इसके 15,000 ईच है। और ये जो आपके पास 2 मेल और 4 फीमेल हैं, तो आप या तो किस तरह सेल करेंगे, सब एक साथ करेंगे या ट्रायो बना के सेल करेंगे? नहीं, इसके 2 ट्रायो के हिसाब से सेल करेंगे, किसी को अगर 1 ट्रायो चाहिए तो 1 ट्रायो मिल जाएगा, 2 ट्रायो चाहिए तो 2 ट्रायो मिल जाएंगे। जी आदिल भाई, इसके बारे में बताएं, ये प्लायमाउथ के आपके घर के तैयार हुए बच्चे हैं? जी, ये भी उसी जो ब्रीडर के बच्चे हैं, और ये भी तकरीबन 5.5-6 महीने के हो गए, और ये भी अजान देने लग गया है ये मुर्गा जो है। अच्छा, इनके भी प्राइस बता दें, और इनके भी ट्रायो हो, यहाँ पर 2 मेल और 4 फीमेल है, तो ये भी ट्रायो के हिसाब से आप सेल करेंगे? जी, ये भी 12,500 रुपये ईच के हिसाब से सेल करने। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो आप ट्रायो सेल कर सकते हैं उसको? जी ठीक। जी आदिल भाई, इस केज में भी वही बर्ड्स मौजूद हैं जो आपने अभी लास्ट केज में दिखाए थे? जी, ये भी प्लेमाउथ रॉक हैं, वो एक केज में थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हमने सेपरेट कर दिया इनको। तो इनके भी वही सेम रेट रखे हैं आपने, सेम एज है इनकी भी? जी, सेम एज है, और इसकी भी सेम प्राइस है। ये अभी आपको ट्रायो देंगे? ये भी ट्रायो के हिसाब से देंगे। ये जो आपके पास चिक्स मौजूद हैं, इसमें से बताएं कौन कौन सी ब्रीड के चिक्स हैं ये? इसमें जो है ना RIR के हैं, स्पेकल्ड सुसेक्स है, प्लेमाउथ रॉक है, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप है, न्यू हैम्पशायर है, तो ये मिक्स हैं, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप, ये मिक्स हैं काफ़ी सारे, 4 सेल हैं। अच्छा, इनकी तकरीबन एज कितनी है? इनकी एज जो है ना 15 दिन से लेके तकरीबन 1 महीने तक के हैं। जी तो व्यूवर्स, आपने माशाल्लाह सेटअप देखा आदिल भाई का, बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, और बहुत सारी ब्रीड्स इनके पास मौजूद है, और आने वाले वक्त में इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह और बहुत सारी ब्रीड्स इनके पास आएंगी। तो लास्ट में जो है मैं इनका नंबर शेयर करवाया था, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चिक्स के हवाले से और प्राइस के हवाले से ये आपको गाइड कर देंगे। और आप अगर हमारा नाम लेकर इनसे बोलेंगे कि मेरे चैनल के उससे आएँगे, तो आपको ये और प्राइस में डिस्काउंट दे देंगे। तो जी आदिल भाई, आप अगर कोई हमारे चैनल का नाम लेकर आपके पास आता है, तो आप क्या उनको डिस्काउंट देंगे? उमर भाई, वैसे तो हमारे प्राइस बिल्कुल ही जो है ना आपने देखे हैं कि दूसरों से काफ़ी कम है,
क्योंकि मैं फिक्स रेट रखता हूँ, बार्गेनिंग नहीं करता। लेकिन चलें यह कि आपकी मोहब्बत की वजह से हम ये करेंगे कि हर ब्रीड पे 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे देंगे उनको। जी तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से आएंगे तो ये आपको इंशाल्लाह लाजमी डिस्काउंट देंगे। तो लास्ट में आदिल भाई, आप अपना नंबर शेयर कर दें और ये भी बता दें कि ये आपका नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होगा। जी भाई, मेरा 03212645385 ये नंबर जो है व्हाट्सएप पर भी है और कॉल भी, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा से रिपीट करें अपना नंबर। 03212645385 ठीक है भाई। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने देखी, माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी आज के सेटअप की। आइंदा भी इस तरह की मैं और वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें आप, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और सेटअप पे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।